इस पैदलां किरण दीप है ये पिंड अठवाला के रहने वाले हैं। इस भैन की गवाही है कि इस भैन की हूँ उम्र 33 साल है। बाबा जो इस भैन की उम्र 10 साल की उस टाइम तो इस भैन शुद्ध आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। शुद्ध आत्मा इस भैन के नाल गलत संबंध बनाती सी, शरीरिक संबंध बनाती सी। जो सुबह भैन उठते इस भैन की बॉडी कच्ची रहती सी। ये भैन फैमिली कई बाबे तो कोल लैके गए और बाबे घटना घट भी 15 से 20 बाबे तो कोल लैके गए बाबा को लैके और बाबे ने बाबा जी त्री बने धागे पाके देके पैसे लैके देके पर इस भैन की जिंदगी कोई बदलाव ना आया। इदा ही इसकी मैरिज भी इदा हुई। शुद्ध आत्मा इस भैन के नाल जो अपनी सहुरे फैमिली के आई उत्थे भी वह अटैक होने शुरू हुए। इस तरह ही इस भैन की बॉडी थकी रहती सी। उस तो बाद इस भैन बीमारियां ने घेर लिया, इन्फेक्शन हुई, थायरॉयड होया, यूरिक एसिड होया और बहुत सारे दवाइयां कर दी पर कोई फर्क ना पिया। इस भैन ने 15 से 20 डॉक्टर भी बदले पर कोई फर्क ना पिया। जब भी डॉक्टर के कोल जाते डॉक्टर इस भैन मेडिसिन दे देते सी, टेस्ट करवाते सी पर यह भैन दवाइया खाते रहते, थके रहते, हारे रहते सी पर फिर भी इस भैन नूं कोई बदलाव नहीं रहता सी। और अज तो 6 महीने पहला इन्हें सस यदि मम्मा चर्च में आए और यदि बेटी जो 5 साल की भी चर्च में आई। उसने चर्च में छोटी बच्ची ने गवाहियां सुनिया कि इन लोग चंगे हो रहे हैं तो मेरी मम्मा बीमार रहते हैं। ये अपनी मम्मा नूं इस बच्ची ने कहा कि मम्मा तू मेरे नाल चर्च में चल, उत्थे बड़े लोग चंगे होंदे ने। यदि मम्मा ने अपनी बच्ची नूं टालना शुरू किया पर मम्मा यदि बेटी ने फिर भी बदो बदी इन्होंने कहा एक बार मेरे नाल जाओ। 25 दिसंबर नूं जद ये पहली बार चर्च में आए और वाइट कार्ड बना के इस भैन ने पापा को प्रेयर करवाई। उस दिन तो इस भैन की जो अशुद्ध आत्मा ने अटैक जो पिछले 21 साल तो इस भैन के अटैक थी जो बाबे नहीं ठीक कर पाए, तबीत नहीं ठीक कर पाए और जब पापा ने ले एंड की थी उससे टाइम वो शुद्ध आत्मा छट के गई। उस दिन तो बाद पापा जो ने अपने 4 महीने चेक करके आई है, कोई बीमारी नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई यूरिक एसिड नहीं, अपने आप बिल्कुल फ्री महसूस करके और 4 महीने चेक करके आई है। परमेश्वर के लिए सबले हालेलुया। दवाई समझ आ रही है? जो भी भैन भरा जो नए आज पहली बार आए ने शायद वो पापा पापा करके कह जानी के क्रिसमस मीटिंग दे जानी के पूरी ठेठ पंजाबी च बोलो ते वड्डे दिन दी मीटिंग दे बोलो वड्डे दिन दी मीटिंग दे। ओके सच्ची हुण तुहाडी उम्र किन्नी है? 33 साल। और किन्नी देर तो दुष्ट आत्मा सी? 21 साल तो। 21 साल तो इहदा मतलब तुहाडी मैरिज तो भी पहले मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਟੈਕ ਸੀ? 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਗਵਾਈ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚਰਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ? 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਓਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਤੇ 12 ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਡਿੱਗਦੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕਿ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲੋ। ਜੂਰੀਆ ਕੈਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦਰਦ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਪੀ 70-80 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 3-4 ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਚ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਯੂਰੀਆ ਕੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ
और हर वेले बॉडी च थकावट और रहना बेड दे उत्ते और कोई काम करने जी ना करना मजबूरी नु करना क्योंकि मैं कल्ली सी कर जे किनिया किनिया दस को गया कि नहीं और ए आप पहले दिन जितन आए सी हां जी उतने शिकारा हो गया एक करी ताड़ी फिर बजाई विश्व प्रसिद्ध और उस तो बाद तुहाडा फेथ वध्या हां जी आप और भी प्रभु दे नाल प्यार हो गया हां जी और आपने बपतिस्मा ले चुके हो मेरी बेटी बड़ा रोंदी थी इस हफ्ते बपतिस्मा लेके आना होना ओ बपतिस्मा भी बेटी ने दुआ क्या बात है एक करी बेटी दे ले भी नाम बोलो जैसलीन जैसलीन नु अपने चर्च च पक्की ड्यूटी देनी है यीशु मसीह दे नाम ते बहुत ज्यादा स्टाफ चाहिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्टाफ चाहिए मेनू बैंक अकाउंट चाहिए कॉल सेंटर ते चाहिए अटेंडेंस कार्ड वाले चाहिए रोज मम्मा मैं 12 साल दी के दोना मैं बपतिस्मा लेना वॉलंटियर बनना अगर सुन पा रहे हो दिमाग कोड़ी वाला बच्चन अज तुहाडे बैंक मां लैब चुके सब बीमारियां हां जी दुष्ट आत्मा तुहानू नजर आंदा सी अटैक करदा सी तुहानू तुहाडा शारीरिक संबंध बनांदा सी हां जी बीमारियां ही ज्यादा दिंदा सी नींद नहीं सी आउंदी थी सारी रात एक पूरे 21 साल तो इदा ही हां जी मैरिज तो पहले भी बाद और मैरिज दे कितने साल हो गए तुहाडी मैरिज नु 6 साल हो गए और 6 साल इत्थे आके भी सेम अटैक ने पूछा हां जी और हुण बेटी तुहाडी लेके आई तुहाडी दादी इहदी दादी ने आई अपनी हां जी और ए तुहाडी उद्धार दास हुण ए दसो थोड़ा जा 2 महीने हो गए तुहानू चर्च आंदे नु 2.5 महीने हां जी फरवरी और जनवरी पूरा और अद्धा दिसंबर ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਨੰਦੀ ਆਨੰਦ ਤੋ ਯਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰ ਹੋਲੀ ਗੋਸ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ अगर कोई आज दुष्ट आत्मा दे नाल जकड़िया जा कोई बीमार है जा दुखी है जा पहली बार आया कोई की कहना चाहते हो के इथे की है पापा जी मैं गवाहियां ते ज्यादा विश्वास कीता तो कई कहते चर्च जो गवाहियां गवाहियां ला छड़ दे पर आप तौबा कर चुके हो बपतिस्मा ले चुके हो पास्टर कहते हो जिन्ना को नहीं होंदा ना कुछ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀ ਆਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋ ਅੱਜ
बहुत।